सेहत की बात, ये मंच उन डॉक्टर्स के लिए है जो अपनी स्पेशलिटी सामान्य जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी डॉक्टर मित्रों को आमंत्रित करते हैं कि आइए अब आपकी स्पेशलिटी, जिस डिजीज पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी सटीक जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाइए और अपने हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं हमारे माध्यम से मरीजों तक पहुँचाए। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह हनुमान सिंह चौहान। हम और हमारे साथ तीन चार डॉक्टर्स ने मिलकर एक उपक्रम शुरू किया है जिन्होंने 20-25 साल ब्लड या उससे रिलेटेड फील्ड में काम किया है। थैलेसीमिया नाम की बीमारी को हमने मुख्य ये रखा है कि उस बारे में लोगों में जागरूकता और इसकी रोकथाम। जैसे कि आपको पता है कि अगर थैलेसीमिया रोकना हो तो उसका सबसे मेन जो है कि हमें पता चलना चाहिए कि थैलेसीमिया ऐसे नाम की कोई बीमारी है। जहाँ जहाँ हमने ऐसे छोटे मोटे लेक्चर्स लिए हैं, बड़े बड़े लेक्चर्स लिए हैं, तो 200-225 तरीके के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमने लेक्चर्स लिए हैं, तो वहाँ पे हमें ऐसा पता चला कि थैलेसीमिया के बारे में जानकारी नहीं है लोगों को। तो ये जानकारी उन्हें मालूम होना चाहिए, उनके घर तक, उनके डोर स्टेप तक जाकर के हमें वो जानकारी उन तक पहुंचानी है, उनका अवेयरनेस बढ़ाना है। ये पहला काम है। दूसरा काम जो सबसे डिफिकल्ट है वो है, मैं तो हट्टा कट्टा हूँ और मुझे बीमारी नहीं है, अभी तक इंजेक्शन भी नहीं लिया, तो फिर आप बोलते हैं टेस्ट करो, इसके पैसे भी लगेंगे। तो ये 2-500 रुपये जो टेस्ट के पैसे लगेंगे वो कहाँ से आएंगे? और हम थैलेसीमिया माइनर डिटेक्ट करके ही थैलेसीमिया माइनर की दूसरे में शादी न हो, दूसरे थैलेसीमिया माइनर से शादी न हो, यहीं पर उसको रोकथाम कर सकते हैं। तो ये रोकथाम करने के लिए हमने करीब करीब 5000 थैलेसीमिया टेस्ट किया, उससे ज़्यादा ही, और उसमें जितने भी पॉजिटिव आए, हम एक समाज ने थैलेसीमिया का टेस्ट किया था जो कि एक्सपर्ट्स को पता है कि पंजाबी, सिंधी, गुजराती, भानुशाली और ऐसी कम्युनिटीज में जहाँ कंसेंशुअल मैरिजेस यानी आपस में शादियाँ होती है, वहाँ ये थैलेसीमिया ज़्यादा जोर पकड़ता है। तो 20-22% तक, यानी हर 5 आदमी में एक आदमी कम से कम थैलेसीमिया के है, ऐसे हमारे आंकड़े बताते हैं। हमारे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है अभी 7 अक्टूबर को, तो वहाँ पर हम लोग ये प्रेजेंट भी करने जा रहे हैं। तो ये रहा इसका साइंटिफिक पार्ट। तो इससे हमको पता चलेगा कि थैलेसीमिया माइनर कोई है या नहीं है। है तो इतना ही एहतियात बरतना है कि दूसरे थैलेसीमिया माइनर से अपनी शादी ना हो, या समझो किसी की शादी हो रही है तो उसमें दोनों में से एक ने भी थैलेसीमिया का टेस्ट कर लिया और वो नॉर्मल है, तो अगले दूसरे आदमी की टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। तीसरी बात है कि इनके माता पिता जो जन्म के 3rd महीने से लेकर इनको ब्लड चढ़ा रहे हैं, उनकी हालत यानी एक पूरा परिवार अपना फाइनेंशियल तहस नहस होने तक आता है, क्योंकि ये बच्चों को हर 3 हफ्ते में ब्लड दें, ब्लड बैंक से मिले, और ब्लड की हमेशा स्केरसिटी रहती है, कुछ कुछ ए भी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ऐसे बच्चों को ब्लड उपलब्ध करा कर देना ये सबसे बड़ा मुश्किल काम हमें फेस करते हैं हम लोग। तो ये माता पिता जिनको कभी उन्होंने थैलेसीमिया के बारे में सुना नहीं होता है और बच्चों को अचानक से ये ब्लड देने की बारी आती है, उन पर हर 2-3 हफ्ते में जाकर के ब्लड बैंक से ब्लड लीजिए, फिर जाके कोई डॉक्टर के पास खून चढ़ाइएगा, हर एक जगह पर पैसे लगते हैं, तो ऐसी कोई व्यवस्था हो जहाँ पर ये सब चीजें इन बच्चों को, जिनकी कोई गलती नहीं है, जिनको ये विरासत में उनके माँ बाप से ये बीमारी मिली है और जो इनके बारे में जानते नहीं है, तो ये जानकारी का अभाव, इसको दूर करना ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है पता चलने के बाद में थैलेसीमिया से शादी नहीं करना चाहिए। तीसरा स्टेप है इनका सोशल अपलिफ्टमेंट। तो ये आर्थिक जो बात होती है उसके लिए हमने फ्री ब्लड देने का हमारे एकदम सेंटर की शुरुआत में ही लिख करके लगाया है, कमिटमेंट है, हम लोग इसीलिए एकत्र आए हैं। और इसके बाद में है ये पेरेंट्स का काम करने वाली जो एक हेड हमारे दिवेकर साहब, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, इन सबको
उनकी भाषा में समझे जैसा। और ये पेरेंट्स ने एक सोसाइटी बना करके हर 6 महीने में इनका ब्लड टेस्ट होता है और सत्य से ब्लड बैंक या कहीं से टेस्ट करके अभी तक ये 2-3 सालों में हमने इतना ब्लड दिया है तो उसमें किसी को ऊपर वाले की मेहरबानी से कोई ट्रांसमिट नहीं हुआ डिसीज़। क्योंकि एक एक बच्चा जो बड़ा है 35 साल का 38 साल के हमारे यहाँ पर थैलेसीमिया मेजर है जिनको हर महीने 4 बैग के करीब लेने पड़ते हैं तो उनमें ये बीमारी HIV HBsAg HCV ये ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आम आदमी से ज़्यादा बहुत चांसेस रहते हैं कि कोई ब्लड बोन डिसीज इनमें चला ना जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना पड़ता है। जो कॉमन डोनर्स है रिपीट डोनर्स है उन्हीं को लेकर के ब्लड उनका इनमें ट्रांसमिट करना पड़ता है। जी थैलेसीमिया की बीमारी हम लोग जान रहे हैं इसलिए दिख रहा है। अंग्रेजी में कहावत है कि योर आईज आर केपेबल ऑफ सीइंग व्हाट योर माइंड नोस। अगर हमें जो चीज हमारे दिमाग को पता है वो हमारे आंखों को दिखना शुरू हो जाती है। हमारे अगल बगल में बहुत सारे बच्चे हैं कि जो हर 3-4 हफ्ते में महीने भर में एक बार जाकर के ब्लड लेते हैं। और मराठवाड़ा में बहुत जगह पे ऐसे सेंटर्स खुले हैं जहाँ पर मुफ्त में इसका निदान और ट्रीटमेंट और ये करने की सुविधाएं उपलब्ध है। अलग अलग सेवाभावी संस्थाएं इसमें कर रही है। इस संस्था की विशेषता, इस ब्लड बैंक की विशेषता औरंगाबाद थैलेसीमिया सोसाइटी सत्य से ब्लड बैंक इतना ही है कि ये इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव केयर करने की सोची है। डिटेक्शन, जन जागृति, ट्रीटमेंट, फेरेटिन लेवल्स, आयन डिलेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और एमनियोसेंटेसिस, जिससे होने वाला बच्चा अगर गलती से माँ बाप थैलेसीमिया माइनर हो और शादी कर लिए या जानबूझ के हमारे केस में शादी की है तो उसका टेस्टिंग करके थैलेसीमिया मेजर हो बच्चा तो हम लोग वो गवर्नमेंट और कोर्ट के ऑर्डर से भी 24 हफ्ते तक उसका एबॉर्शन कर सकते हैं। बस सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये अप्रोच होना चाहिए, ये उसका उत्तर है पर हम हो नहीं सकते, हो नहीं रहे फॉर रीजंस। मतलब हम टेक्निकल लोग हैं तो टेक्निकल इसमें ज़्यादा ये है पर फिर भी जिन जिन को मालूम है जैसे लॉयंस क्लब है, रोटरी क्लब है, इंडिविजुअल लोगों ने है उन्होंने हमें मदद की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मदद की है। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है कि ऐसा कुछ काम हो रहा है जिनमें हम लोग कुछ अपना फूल नहीं फुला चिपापड़ी जो भी दे सकते हैं ऐसे लोग दे रहे हैं। इनफैक्ट हमारा ब्लड बैंक चलना 2 साल पूरे करना ये समाज के दातृत्व का ये है फल है। अगर समाज ने दान नहीं दिया होता अपना, किसी ने श्रम दिया है, किसी ने पैसा दिया है, किसी ने बैग दिया है, भारत से बाहर से 5,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक लोगों ने डोनेशन दिया है। और मेन है ब्लड, पैसा तो खैर किसी का है और किसी के पास चला जाएगा, अगर ब्लड नहीं मिला इन बच्चों को तो, और वो ब्लड होता है 7 दिन के अंदर का ब्लड लेना होता है, तो वो फ्रेश ब्लड अगर नहीं मिला, कैंप्स नहीं मिले हमको तो ये सबसे बड़ी परेशानी है। तो इस माध्यम से मुझे अपील ये करना है कि पहले हम खून दें, इस बारे में जानकारी कर लें, बचें और हो सके तो हमारे पास का कुछ धन भी हम इसमें इस कार्य में लगा सकें। जिनके पास जो देने लायक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो या जो अलग अलग जो भी इंडस्ट्रीज हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, राजकीय अलग काम करने वाले लोग हैं, वे देखें आकर के कि काम कैसे हो रहा है और इनमें हम कैसी मदद कर सकते हैं। तो कोई बैंक ने हमें कुछ मदद की है, किसी दोस्त ने कुछ मदद किया है, हमारा बोर्ड भी एक दोस्त नहीं बना के तो ये उत्कृष्ट उदाहरण है कि समाज हमको कभी भूखा नहीं रहने देता और अच्छे कर्म के पीछे अगर जी जान लगा के काम करो तो समाज साथ देता है। अभी इस साल हम लोग 7 से 10 हज़ार के पास जाएंगे तो अगले साल और भी प्रगति करेंगे। हम चाहते हैं कि औरंगाबाद एक ऐसा शहर हो जिसमें नए थैलेसीमिक्स पैदा ना हो, तो ये हर माँ बाप, होने वाले माँ बाप तक हम ये पहुँचाने की कोशिश करें। एक जैसे मैन इज अ सोशल एनिमल होते हैं तो जो हर एक की सोसाइटी होती है कुछ जाति के धर्म पर या कोई हमारी जो फ्लैट में रह रहे हैं, जो कॉलोनी में रह रहे हैं, नगर में रह रहे हैं, उनकी सोसाइटी होती है, तो इन सब लोगों ने इस बारे में एक प्रोग्राम रखना चाहिए कि इस बारे में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल, ऐसे जो जेनेटिक डिसीजेस है जो
ज्यादातर प्रमाण पर है भारत में और भारत के बाहर भी। तो ऐसे लोगों ने इस बारे में पहले जानकारी लेना है, अगर हम ससेप्टिबल है तो उसकी रोकथाम, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अ स्टिच एट अ टाइम सेव्स नाइन, और अउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ ट्रीटमेंट, ऐसा जो भी हमको पता है तो उसी तरीके का है। हमको प्रिवेंट करने के लिए कुछ 200-500 रुपये लगेंगे, अगर इसकी ट्रीटमेंट करना है तो लाखों या करोड़ रुपए तक भी लग जाएंगे। तो ये पहले सोसाइटी अपने अपने प्लेटफॉर्म पे इस बारे में अवेयरनेस कार्यक्रम रखें, और जिनको टेस्ट करना है, एलिजिबल है, शादी करने वाले हैं, ऐसे लोगों ने ये टेस्ट करके इनसे बचना है। ये काफ़ी आसान है। अभी पहले हमको मुंबई पुणे जाना पड़ता था, तो ये ब्लड बैंक क्योंकि डेडिकेटेड इस काम के लिए है, तो हमारे पास इसकी मशीन है, 15 मिनट में अगर आप बैठे हो तो आपको बैठे बैठे टेस्ट ये करके दे सकते हैं हम लोग। और अगर एक ग्रुप में हो तो हम लोग 200-250-300 रुपये से लेकर ये टेस्ट हो सकती है, हम सिर्फ रिएजेंट का कॉस्ट लेते हैं, नो प्रॉफिट इस पर हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर अरुण चौधरी, श्री सत्य साई ब्लड सेंटरला रक्त संक्रमण अधिकारी म्हणून काम करत आहे। सध्या आमच्या रक्त केंद्रामध्ये आम्ही थॅलेसिमिया रुग्णांना मोफत रक्त पुरवठा करत असतो। थॅलेसिमिया रुग्णांना दर 15 दिवसाला 3 आठवड्याला रक्ताची गरज भासते। त्यांचं एचबी आपण 9 ग्रॅम ते 10 ग्रॅम पर्यंत ठेवण्याकरता सतत प्रयत्न करत असतो। या रुग्णांना दसरा दिवाळी या सणामध्ये रक्ताचा तुटवडा खूप जाणवतो। तरी माझे असे आवाहन आहे सर्व रक्तदात्यांना की त्यांनी स्वेच्छेने रक्तदान करण्यासाठी पुढे येऊन या थॅलेसिमिया रुग्णांना मदत करावी। थॅलेसिमिया रुग्णांना बऱ्याच म्हणजे असा अनुभव आहे माझा किंवा ते बऱ्याच रक्तपेढ्या म्हणतात आमच्याकडे रक्त उपलब्ध नाही, या गटाचं रक्त उपलब्ध नाही, त्यामुळे नातेवाईक खूप फिरत होते इकडे तिकडे, त्यामुळे थॅलेसिमियाच्या पालकांनी हा निर्णय घेऊन ही रक्तपेढी काढलेली आहे। ही पर्टिक्युलरली थॅलेसिमियाच्या पाल्यांनी काढलेली ही रक्तपेढी आहे। इथे आपण जो प्रयत्न करत असतो किंवा त्यांना कुठे फिरावं लागणार नाही आणि त्यांच्यासाठी आपण डे केअर सेंटर पण चालू केलेलं आहे, तिथे पूर्ण त्यांना रक्त चढवण्यासाठी मदत होते आणि ते आपण पूर्ण फ्री ऑफ कॉस्ट करत असतो। थॅलेसिमियाच्या रुग्णांसाठी आपल्याला महिन्याजवळ 100 ते 120 पिशव्या म्हणजे ब्लड युनिटची रिक्वायरमेंट आपल्याला थॅलेसिमियाच्या रुग्णांसाठी असते। आपण त्या पूर्ण शक्यतो फक्त एखादा वेळ येते अशी फार क्वचित 99.9% आम्ही प्रयत्न करत असतो किंवा त्या रुग्णाला रक्त पुरवठा करावा आम्ही तो करत असतो। आरोग्य जागृती।